चलो इशाद। अब आ रहा है नेचर ऑफ फ्रूट्स, मेजर टॉपिक अब शुरू होंगे, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक है। लिखो नेचर ऑफ फ्रूट्स। नेचर ऑफ फ्रूट्स का मतलब है कि बेसिकली जो रूट आ रहा है, राइट, वो क्या है, किस तरीके का है, बराबर है, नहीं है बराबर, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, ठीक है ना। तो इसके बारे में अभी हमें देखना है, ठीक है। तो देखो, अगर ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो की बात करें, ठीक है, लेट से रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, एंड वी रिज्यूमिंग कि ए बी सी जो है वो हमारे क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो इन दैट केस रूट जो होंगे वो क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए, याद आएगा। तो सारी की सारी चीज जाएगी इसके अराउंड, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम बोलते हैं, डी, ठीक है, इसके अराउंड जाएगी। तो सबसे पहले या तो डी होगा जीरो या तो डी होगा नॉन जीरो। अगर तो डी जीरो हुआ, ठीक है, सोचो ये जीरो हो गया, तो माइनस बी प्लस जीरो बाय टू है, माइनस बी माइनस जीरो बाय टू है, तो दोनों के दोनों वैल्यूज क्या आ जाएंगी, सेम। एंड आएंगी वो क्या वैल्यूज आएंगी, माइनस बी बाय टू ए, ये वैल्यूज आएंगी। अब ए एंड बी हमारे क्या है, रियल नंबर, तो ऑब्वियसली माइनस बी बाय टू ए भी क्या हो जाएगा, रियल नंबर, दैट मीन रूट रियल हो जाएगा। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि जो रूट होंगे वो क्या होंगे, रियल एंड इक्वल, ठीक है, एक ये चीज बोल सकते हैं। और ऊपर से रूट होगा क्या, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय टू ए, ये होगा। फिर हम ये बोल सकते हैं, देखो कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, फिर ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा, दूसरा सेम रूट है ना, रूट इसके सेम है, तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा, राइट, ये बन जाएगा x माइनस अल्फा का होल स्केयर। तो a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्केयर, इसको तो मैं रूट ए का स्केयर लेके ओवरऑल स्केयर कॉमन ले सकता हूं ना, कहने का मतलब ये पूरी चीज को मैं परफेक्ट स्केयर बना सकता हूं। तो इसका मतलब यह है कि जो इक्वेशन होगी इन दैट केस, अगर मेरा डी जीरो हुआ तो इन दैट केस जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, परफेक्ट स्केयर, इक्वेशन परफेक्ट स्केयर होगी, क्लियर है। तो ये तीनों चीजें साथ में चलती हैं, क्या कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो है एक क्वाड्रेटिक का, तो भैया उसके रूट्स बराबर होंगे एंड इक्वल होंगे, सॉरी रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, रूट होगा क्या, इन दैट केस माइनस बी बाय टू है प्लस वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। या फिर अगर वो बोले क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा, रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, ठीक, या रूट्स रियल इक्वल बोला तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा क्वाड्रेटिक एंड डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा, ठीक है ना, एक कंडीशन के बाद साथ बाकी दोनों कंडीशन भी आती है, क्लियर है, श्योर। नेक्स्ट, अब अगर डी जीरो नहीं है तो ये कुछ ना कुछ नॉन जीरो क्वांटिटी होगी, तो उसका जो भी रूट करके आएगा वो चाहे इमेजिनरी है चाहे रियल है, फर्क नहीं पड़ता, बट वो चीज एक बार ऐड होगी एक बार सब्ट्रैक्ट होगी, तो ऐड होने पे कुछ और बनेगा, सब्ट्रैक्ट होने पे कुछ और बनेगा, यानी कि दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएंगी। सो यहां पे हम बोलेंगे रूट आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। अब इसके बाद आगे दो केसेस कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो एंड डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो है ना, नंबर लाइन पे अगर मैं देखूं ये जीरो, तो जीरो नहीं है तो या तो ग्रेटर होगा या तो लेस होगा, तो दो कंडीशन हमारी बन गई। अब अगर लेस है ये सोचो, ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का रूट क्या होता है, इमेजिनरी, यानी कि ये इमेजिनरी बन जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस रूट समथिंग बाय टू ए, एंड दिस विल बी ऑब्वियसली इमेजिनरी, तो साथ में आएगा, तो इस चीज को पी ले लो इस चीज को क्यू ले लो, तो ये बन गया पी प्लस माइनस आइटा क्यू। तो इन दैट केस जो रूट्स होंगे कॉम्प्लेक्स एंड रूट्स जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स एंड, अब पी प्लस आइटा क्यू एंड पी माइनस आइटा क्यू क्या बोलते हैं इनको, कॉम्प्लेक्स लो कॉन्जुगेट, तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ठीक है ना, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट रूट्स। तो इसका मतलब पता क्या है कि, लेकिन ये तब होगा याद रखना, अगर जो कोफिशिएंट्स है वो सारे के सारे क्या है, रियल, अगर कोफिशिएंट्स रियल नहीं है फिर नहीं होगा, ठीक है। नाउ इसके अंदर ये चीज है कि मान लो वो बोल रहे कि एक रूट जो है अल्फा दैट इज 2 प्लस 3 आइटा है,
तो अब कहने की जरूरत ही नहीं है कि दूसरा रूट क्या होगा, दूसरा रूट इसका कंजुगेट ही होगा, यानी कि दूसरा रूट जो है वो क्या होगा, 2 माइनस ही होगा। तो दैट मीन्स अगर हमें दे रखा है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं और एक रूट दे रखा है, तो दूसरा रूट मैं निकाल सकता हूं उसका कंजुगेट करके, एंड इक्वेशन तो बड़ी इजीली निकल आएगी। क्यों? क्योंकि सम ऑफ फ्रूट्स क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करके ये कटेगा तो क्या आ जाएगा, 4। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या आ जाएगा, अच्छा जेड इंटू जेड कंजुगेट क्या होता है, जेड मोड का स्क्वायर, हाँ है ना, राइट। तो इसका मोड करो उसका स्क्वायर करो, इसका मोड क्या आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर द रूट, रूट 13 स्क्वायर करके 13, तो प्रोडक्ट इसका आ जाएगा 13। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स यानी कि माइनस 4x प्लस पी दैट इज 13 इक्वल टू 0, ये आ गई इक्वेशन। तो ये इक्वेशन है जिसका रूट ही है, क्लियर है, ठीक। अच्छा अब अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, राइट, तो रूट्स क्या रहेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब रूट्स रियल होंगे तो कोई ना कोई ये पॉजिटिव नंबर का रूट क्या होएगा, कोई ना कोई रियल नंबर ही आएगा, तो एक बार सब्ट्रैक्ट होएगा, एक बार अपना ऐड होएगा, तो रियल आएंगे एंड डिस्टिंक्ट आएंगे, बात खत्म। लेकिन इसके बाद जो डी है, या तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा या तो वो डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, या तो डी परफेक्ट स्क्वायर होगा या तो डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो जैसे हमने इमेजिनरी वाला पार्ट किया था, अब ये क्या जाएगा, इरेशनल जाएगा, तो ये बन जाएगा पी प्लस माइनस रूट क्यू टाइप का, ये समझे, ठीक है ना। इसको भी कॉम्प्लेक्स सॉरी अपना कॉन्जुगेट टाइप ही बोलते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस केस में रूट जाएंगे इरेशनल एंड ऑफ टाइप 2 प्लस माइनस सॉरी p प्लस माइनस रूट क्यू। तो इसका मतलब ये है कि अगेन कि अगर एक 2 प्लस रूट 3 रूट है तो दूसरा रूट क्या होगा, 2 माइनस रूट 3, यही रूट होगा। तो दैट मींस अगेन एक रूट से ही मैं क्वाड्रेटिक फॉर्म कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को दोनों रूट पता चल गए। अब प्रोडक्ट निकालो, सम निकालो, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, डन, क्लियर है, श्योर। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो कोई ना कोई रैशनल नंबर आएगा, इधर भी रैशनल, इधर सॉरी अपना अच्छा अब ना एक चीज लेके जाओ कि ए बी सी जो है वो क्यू है, क्यू मतलब रैशनल है, ठीक है। अब देखो ये किसने, ए बी सी रैशनल, तो किसने किसी रैशनल नंबर का स्क्वायर आएगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो अंडर रूट करके कोई ना कोई रैशनल नंबर आ जाएगा, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, रूट्स आ जाएंगे रैशनल, ये समझे, ठीक है। लास्ट कंडीशन अब इसी का आगे कि a1 z, z क्या होता है, इंटीजर्स, एंड d इज परफेक्ट स्क्वायर, तो इन दैट केस जो रूट्स हैं वो होंगे इंटीजर्स, इंटीग्रल रूट्स बोलो, इंटीजर्स बोलो, ठीक है। क्या चीज है देखो, अब मेरे को देखना है रूट्स इंटीजर कब होंगे, ठीक है, याद करो रैशनल फॉर्म p by q फॉर्म, जब डिनोमिनेटर 1 हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, इंटीजर बन जाता है, ये चीज क्लियर है ना, राइट। तो अब ध्यान से देखो, मैं रूट के डिनोमिनेटर को अंदर जो a है, राइट, इसको ज्यादा से ज्यादा कम से कम क्या लेके जा सकता हूं, अगर इसको 1 करना है, देखो इंटीजर बनाने के लिए डिनोमिनेटर को 1 करना पड़ेगा, 1 के लिए a को हाफ ले नहीं सकता क्योंकि abc इंटीजर होने चाहिए, तभी जाके देखो अगर ये इंटीजर नहीं है abc तो ये जो चीज है ये इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है किसी इंटीजर का, तो भैया मेरे को एबीसी को इंटीजर लेके जाना पड़ेगा पहले, इससे मैंने पहले बी एंड सी को इंटीजर ले लिया, जेड होता है इंटीजर। लेकिन ए को मैं 1 से छोटा ले ही नहीं सकता, 1 से छोटा लिया तो इंटीजर ही नहीं होएगा, तो मैं डिनोमिनेटर को ज्यादा से ज्यादा 2 बना सकता हूं, इससे कम नहीं बना सकता, समझे। तो ए को 1 लिया मैंने, अब एक्चुअली में ये इसके जितने भी केसेस हैं उसके अंदर ए को 1 लेने के बाद बी एंड सी को इंटीजर लेने के बाद ऊपर अपने आप ही एक इवन नंबर बनता है, तो वो 2 अपने आप ही कटेगा, कटेगा, कटने के बाद रूट्स क्या बनेंगे हमारे, इंटीजर। तो ए 1 बी एंड सी इंटीजर, अब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बना तो उसका माइनस बी के साथ जितना भी प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन आएगा, मैं ये बोला कि सारे के सारे इवन नंबर ही बनाएंगे, वो इवन नंबर 2 के साथ कटेगा, ए तो पहले 1 ले लिया हमने, तो वो अपने आप ही 2 के साथ कट के ओवरऑल बनेगा हमारा रूट्स इंटीजर। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है, क्लियर हुआ, श्योर। तो ये है नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, कि अंडर क्या कंडीशन होगी, कि उसके अंदर हमारा रूट्स की क्या नेचर जाएगी, पहले नोट करो फिर एग्जांपल्स कराता।
क्यू रैशनल नंबर। चले जब ए को 1 लेते हैं और बी और सी दोनों को इंटीजर्स लेते हैं तो वो हमारा इवन कैसा आता है? वो केसेस लेके देखने पड़ेंगे आपको। परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए ना। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो के और माइनस बी का जो कॉम्बिनेशन आएगा, क्योंकि के स्क्वायर आया ना, तो इधर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, के और माइनस बी का जो प्लस माइनस आएगा वो हमेशा इवन आएगा। ये केसेस आपको लेके देखने पड़ेंगे, आएंगे वो सारे के सारे इवन ही आएंगे, तभी जाके वो इंटीजर बनता है ना यार, ठीक है ना? अदरवाइज इंटीजर बन ही नहीं सकता। चलो
देखो पहला देखो जरा, रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस सिक्स है इक्वल टू जीरो आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, दे रखा है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो ए की वैल्यू निकालने क्या है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट की क्या कंडीशन होती है, डिस्क्रिमिनेंट नहीं, नॉट इक्वल टू जीरो में लेस देन जीरो पे इमेजिनरी चला जाता है, ग्रेटर देन जीरो, तो इस केस में क्या करना अपने को, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, बी स्क्वायर इनकी माइनस एट का स्क्वायर 64 माइनस 4 इनटू ए दैट इज 1 इनटू सी यानी कि ए स्क्वायर माइनस 6 ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अब एक काम करो माइनस 4 ए स्क्वायर को उधर ले जाओ 4 ए स्क्वायर, ये उधर जाके हो जाएगा माइनस 6 फॉर द 24 ए एंड ये उधर जाके नेगेटिव माइनस 64 इज लेस देन जीरो। 4 कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगी क्योंकि पॉजिटिव नंबर से कर रहे हो, तो 4 कॉमन आके गया तो क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस 6 ए माइनस 16 लेस देन 0, 8 एंड 2 तो ए स्क्वायर माइनस 8 ए प्लस 2 ए माइनस 16 लेस देन 0, तो ए माइनस 8 इनटू ए प्लस 2 दैट इज लेस देन 0, तो माइनस 2 प्लस 8 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अपने को नेगेटिव चाहिए तो अपना आंसर आ गया ए बिलोंग्स टू माइनस 2 से 8। अब अगर ए की वैल्यू माइनस 2 से 8 के बीच में होगी तो जाके इसके जो रूट्स हैं वो आएंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्लियर है सिंपल। नेक्स्ट अब वो बोल रहा है कि इफ ए इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, कि रूट्स जो है वो इक्वल हैं, इफ रूट्स ऑफ, तो प्रूव करना है 2 बाय बी इज इक्वल टू 1 बाय ए प्लस 1 बाय सी होगा, ये अपने को प्रूव करना है, क्लियर है। अब जो ऐसे साइक्लिक इक्वेशंस होती है ना, ठीक है ना, साइक्लिक का मतलब याद है कल मैंने बताया था ए की जगह बी, बी की जगह सी, सी की जगह ए, ऐसे रोटेट होता जा रहा है राइट, तो ऐसी इक्वेशन है इनके अंदर जनरली 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 ऐसे वाले रूट्स होते होते हैं, जैसे इसके अंदर मैंने x को 1 पुट कराया क्या बन जाएगा, ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस सी ए माइनस सी बी, देखो ए सी ए सी माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी कटा तो क्या आ गया 0, तो x इक्वल 1 इसका रूट है, 1 उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो x इक्वल 1 इसका रूट है, ठीक है। अच्छा ऊपर से वो बोल रहा है कि उसके रूट्स इक्वल है, अब रूट्स इक्वल है तो दोनों के दोनों रूट्स क्या आएंगे 1, बोथ रूट्स आर 1, देयरफॉर सम ऑफ रूट्स क्या जाएगा 1 प्लस 1 2 दैट वुड बी माइनस बी यानी कि माइनस बी और सी माइनस ए माइनस बी बाय ए दैट इज ए इनटू बी माइनस सी एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 इनटू 1 1 और वो क्या जाएगा सी बाय ए दैट इज सी ए माइनस बी बाय a into b minus c। अब इस चीज को पकड़ो ठीक है क्या बन गया ये ए बी इधर माइनस ए सी इधर दैट इज ए सी माइनस सी बी, इसको इधर ले जाओ इसको इधर ले जाओ तो क्या बन गया 2 ए सी, ये इधर आके b को मना के बन गया a प्लस सी, b नीचे ले जाओ एंड ए सी को इधर ले जाओ तो क्या बन गया 2 बाय बी, ए के नीचे ए सी ए कट के 1 बाय सी, सी के नीचे ए सी 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 कट के 1 बाय ए बन गया, क्लियर है। हाँ जी क्लियर है श्योर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट इस इक्वेशन के ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 एक्स स्क्वायर 4 ए बी सी डी एक्स प्लस सी की पावर 4 प्लस डी की पावर 4 इक्वल टू 0, इसके जो रूट्स हैं अगर रियल हैं तो वो डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते। अच्छा अगर रियल हैं रूट्स तो क्या क्या केसेस पॉसिबल है, या तो अलग अलग होंगे या तो सेम होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे या तो इक्वल होंगे राइट। अब वो बोला कि इफ रियल तो हमें प्रूफ करना है डिस्टिंक्ट एंड इक्वल, तो हमें प्रूफ करना है कि वो डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते वो इक्वल ही होंगे, यानी कि हमें इन ए वे प्रूफ करना है कि इसके रूट्स जो हैं वो रियल नहीं हो सकते, सॉरी रियल के बाद डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते वो इक्वल ही होंगे, ये चीज क्लियर है श्योर। तो इसके लिए हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट पकड़ा, क्या आ गया डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर यानी कि 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 इंटू सी की पावर 4 प्लस डी की पावर 4 ठीक है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, तो 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की पावर 4
सी की पावर फोर प्लस ए की पावर फोर प्लस डी सॉरी इंटू डी की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर सी की पावर फोर प्लस बी की पावर फोर डी की पावर फोर। अब एक काम करो, दोनों में से माइनस फोर कॉमन ले लिया, क्या बन गया? ये माइनस फोर गया ना, सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। ए की पावर फोर सी की पावर फोर बी की पावर फोर डी की पावर फोर ए की पावर फोर डी की पावर फोर बी की पावर फोर सी की पावर फोर। मैंने इसको इसके साथ लिखा एंड इसको इसके साथ लिखा, ये समझे दो दो को। एंड इसमें से माइनस फोर जाएगा तो माइनस फोर बचेगा, उस माइनस फोर को लिखा मैंने माइनस टू ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर डी स्केयर, फिर माइनस टू ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर डी स्केयर, मतलब ए स्केयर दोनों को अलग अलग कर दिया माइनस टू में। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इसको कंबाइन किया इसके साथ तो ये चीज इसके साथ मिलकर बन जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, यानी कि ए स्केयर सी स्केयर माइनस बी स्केयर डी स्केयर का होल स्केयर। सिमिलरली प्लस ये दोनों इसके साथ मिलकर बन जाएगा ए डी ए स्केयर डी स्केयर माइनस बी स्केयर सी स्केयर का होल स्केयर माइनस फोर टाइम्स। अब ध्यान से एक चीज चेक करो, ये किसी ना किसी चीज का परफेक्ट स्केयर जा रहा है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ऐड करके ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करके लेस देन इक्वल टू जीरो। और हमें क्या निकालना है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो एक ही केस पॉसिबल है इसके अंदर, देखो ये आ रहा है लेस देन इक्वल टू जीरो, होना चाहिए था ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एक ही केस पॉसिबल है। क्या? दैट इज इट हैज टू बी इक्वल टू जीरो, इसके अलावा कोई केस ही पॉसिबल नहीं है। सो इट हैज टू बी इक्वल टू जीरो। अब अगर ये इक्वल टू जीरो हुआ तो उसके लिए इसको भी जीरो होना पड़ेगा, इसको भी जीरो होना पड़ेगा। दैट मींस ए स्केयर सी स्केयर शुड बी इक्वल टू बी स्केयर डी स्केयर एंड ए स्केयर डी स्केयर शुड बी इक्वल टू बी स्केयर सी स्केयर। इसके थ्रू भी आगे और ऑप्शंस बन सकती है ऑब्जेक्टिव में, समझे? क्लियर हुआ? तो यस, अगर रियल है तो डिस्टिंक्ट नहीं हो सकते, वो ग्रेटर देन जीरो जा ही नहीं सकता रूट, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो या तो लेस देन जीरो जा सकता है या तो इक्वल टू जीरो, राइट? तो इट हैज टू बी इक्वल टू जीरो। क्लियर है? ये इसके बाद माइनस फोर कॉमन लिया, तो ये माइनस फोर गया, ये चार टर्म आ गई ये वाली। अब इसके से 16 में से माइनस फोर कॉमन लेगा तो क्या बचेगा? माइनस फोर, और माइनस फोर को लिखा माइनस टू, ठीक है? अब पहले ये वाला देखो, एबीसी वो बोला जीपी में है, देन प्रूव दैट कि रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। यानी कि हमें प्रूव करना है कि उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा? रियल एंड इक्वल, सॉरी, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? जीरो, राइट? अच्छा, अब अगर एबीसी जीपी में है तो इसका मतलब क्या है? बी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू एसी, क्योंकि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए, तो बी बाय ए मस्ट बी इक्वल टू सी बाय बी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू एसी आ जाएगा। नाउ अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया? बी स्क्वायर यानी कि फोर बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, क्या आ गया? फोर कॉमन, बी स्क्वायर माइनस एसी। अब बी स्क्वायर की वैल्यू एसी इधर पुट कर दो, एसी माइनस एसी क्या हो जाएगा? जीरो, हेंस इट हैज टू बी जीरो डिस्क्रिमिनेंट। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट, तो इसका मतलब है अगर एबीसी जीपी में है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा जीरो होगा, डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा मतलब इसके रूट क्या होंगे? रियल एंड इक्वल। क्लियर है? श्योर? ये वाला पढ़ो, क्या बोल रहा है कि अगर इसके रूट्स हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट तो हमें प्रूव करना है कि अंडर दिस कंडीशन इसके रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो हमें प्रूव करना है कि इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे। मतलब अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, तो अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो हमें प्रूव करना है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? लेस देन 0, तभी जाके इसके रूट्स क्या जाएंगे? इमेजिनरी। क्लियर हुआ? तो हमें गिवन क्या है कि इसका रूट्स क्या, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? ग्रेटर देन 0, क्यों? क्योंकि रूट्स है रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है? बी स्क्वायर यानी कि 4 सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू ए बी, तो 4 कॉमन सी स्क्वायर माइनस ए बी। नाउ दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 क्योंकि इसका दे रखा है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। कोई डाउट? श्योर? अब जो निकालना है डिस्क्रिमिनेंट वो निकाला हमने, दूसरा वाला क्या आ रहा है? बी स्क्वायर यानी कि इस पूरी चीज का स्क्वायर, तो 4 ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज 1 इंटू सी दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 सी स्क्वायर। देखो 4 कॉमन, इसको ओपन करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, माइनस 4 गया तो बचा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कटा, ठीक है? इनफैक्ट माइनस 2 एंड 2 का भी 2 बाहर आके बन गया, या माइनस 2 बाहर ले लो, माइनस 2 बाहर ले लो तो माइनस 8, और ये बन जाएगा सी स्क्वायर पॉजिटिव, ये नेगेटिव होके माइनस ए बी,
और सी स्क्वायर माइनस ए भी क्या हमारा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कहा गया नेगेटिव। सोचो ये तभी नेगेटिव आया जब ये पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव मतलब फर्स्ट कंडीशन हमारी। तो यस अगर ये पॉजिटिव है तो ओवरऑल ये नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि सेकंड का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाएगा, हेंस उसके रूट्स क्या होंगे इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी। क्लियर है? श्योर? जल्दी
कटाऊं? अच्छा, अब एक टॉपिक है अगला रेंज, बट ये मैं अभी नहीं करा रहा, ठीक है? जब ग्राफ करेंगे मोस्ट प्रोबेबली कल, तब इसको कराऊंगा, क्योंकि ग्राफ के बिना ये इनकम्प्लीट है। ग्राफ से प्रॉपर आउटपुट समझेंगे इसका क्या आता है, ठीक है, कैसे आता है, ठीक है, उसका अगले वाले टॉपिक्स में अभी करा रहा हूँ, ठीक है? अब टू डिग्री टू वेरिएबल इक्वेशन को हैंडल करना हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, दोबारा देखो, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक? इसके दो लीनियर फैक्टर्स कब होंगे? ठीक है, इसके दो लीनियर फैक्टर्स कब बनेंगे? जब इसका डेल्टा डी क्या होगा? जीरो, दैट इज ए बी सी, टू एच तो एच एच, टू जी तो जी जी, एंड टू एफ तो एफ एंड एफ, ये चीज क्या होगी? जीरो, ठीक? इन दैट केस हमारे क्या बन के आएंगे? दो लीनियर फैक्टर बनेंगे। एग्जाम्पल, जैसे 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, वो बोल रहे हैं इसके दो जो लीनियर फैक्टर्स बन के आएंगे वो लीनियर फैक्टर्स निकालो क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले हमने देखा लीनियर फैक्टर बनेंगे भी, यानी कि क्या इसका डेल्टा 0 भी है? तो डेल्टा के लिए हमने क्या किया? 2 माइनस 1 माइनस 1, अब h क्या है इसका? 1, सॉरी 2h 1 है, तो h क्या हो जाएगा? हाफ 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 माइनस वन, तो ये टू जी है, तो जी क्या हो जाएगा? अगेन माइनस हाफ, उसका हाफ करके माइनस हाफ माइनस हाफ, ये टू एफ है तो आ जाएगा वन एंड वन, तो ट्वाइस ऑफ, देखो वन माइनस वन माइनस हाफ ऑफ दिस इंटू दिस माइनस हाफ माइनस दिस इंटू दिस माइनस हाफ, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हाफ, माइनस हाफ इंटू रन कॉलम छोड़ा दिस इंटू दिस, तो हाफ माइनस हाफ, तो जीरो, वन माइनस वन जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा? जीरो। तो यस, इसके दो लीनियर फैक्टर बनेंगे, और लीनियर फैक्टर निकालने का तरीका आइदर विल अज्यूम इट टू बी क्वाड्रेटिक इन एक्स और क्वाड्रेटिक इन वाई, किस में लेके जाऊं? एक्स में। तो क्या बन गया? 2x स्क्वायर प्लस x का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है? इधर से आएगा, इधर से आएगा, कॉमन ले लो y माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट टर्म, बाकी सारी y वाली टर्म्स, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस वन इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस बी, यानी कि माइनस ऑफ दिस y माइनस वन प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर आ जाएगा y माइनस वन का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज 2 इंटू सी दैट इज माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 इंटू 2, ये 4 इधर ले आओ तो 4x, इसको भी इधर ले आओ प्लस y माइनस 1 दैट इज प्लस माइनस रूट ऑफ, अब देखो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, ये क्या बना? माइनस 8 इंटू माइनस, तो प्लस 8y स्क्वायर माइनस 8 इंटू दिस, तो दैट इज माइनस 16 माइनस 8 इंटू माइनस 1, तो दैट इज प्लस 8, तो दिस इज प्लस माइनस रूट ऑफ 9y स्क्वायर माइनस 16 माइनस 2 माइनस 18y एंड 8 प्लस 1 9, 9 कॉमन, उसका रूट बाहर आके क्या आ जाएगा? 3, क्या बचेगा? रूट ऑफ y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 दैट इज y माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया प्लस माइनस 3 टाइम्स y माइनस 1 दैट इज 4x प्लस y माइनस 1,
तो 4x plus y minus 1 is, एक बार plus लेके जाओ तो 3y minus 3, एक बार negative लेके जाओ तो 4x plus y minus 1 that is equal to minus 3y plus 3, इसको इधर ले आओ, तो 4x y minus 3y minus 2y 3 minus 1 2 equal to 0, 2 गया common लेके cross multiply करके तो 2x plus y 2x minus y plus 1 equal to 0, तो ये पहला linear factor आ गया ये वाला, ठीक है, इधर से 4x plus 4y minus 4 equal to 0, यानी कि x plus y minus 1 equal to 0, ये दूसरा linear factor आ गया, clear है, sure, जल्दी, क्या एक्चुअली में d0 होने पे वो दो स्ट्रेट लाइंस में फैक्टराइजेशन हो जाती है, अब ये क्यों होता है, क्योंकि इसका जो देख यहां पे जो आया ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है, ये परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन से ही हमारा वो d0 आया था, याद कर जब हमने डिराइव किया था, तो इसलिए वो दो लीनियर फैक्टर बनेंगे बनेंगे ये d0 होता है, यस ये 0 होता है, टू डिग्री टू वेरिएबल इक्वेशन फैक्टराइजेशन, हाँ डेल्टा बोल दो, चले
हटाऊं, हाँ जी आगे हेडिंग दो, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, यस। तो अगर क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, एंड इसके रूट्स है अल्फा बीटा, तो इन दैट केस अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, सी बाय ए, एंड अल्फा माइनस बीटा का मोड क्या हो जाएगा, रूट डी बाय मोड ए, डिफरेंस ऑफ द रूट्स। क्लियर है ना ये चीज, ठीक। अच्छा तो इसी को यूज करके, ठीक है, क्वेश्चंस देखो जरा, इफ रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो आर अल्फा एंड बीटा, फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर फर्स्ट वन बाय अल्फा वन बाय बीटा, सेकेंड माइनस अल्फा माइनस बीटा, थर्ड अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, एंड फोर्थ वन माइनस अल्फा बाय वन प्लस अल्फा कोमा वन माइनस बीटा बाय वन प्लस बीटा, ठीक। ये देखो जरा, देखो देखो देखो, इन दोनों में ना एक नई चीज मिलेगी। लास्ट में ना एक टॉपिक करेंगे हम, जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन,
या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स के ट्रांसफॉर्म करने से इक्वेशन कैसे ट्रांसफॉर्म होगी या इक्वेशन के ट्रांसफॉर्म होने से रूट्स कैसे ट्रांसफॉर्म होंगे, ठीक है ना। एक्चुअली में फंक्शंस का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये लास्ट में देखेंगे, उसके अंदर ये चीजें समझ में आएंगी, दोबारा देखेंगे। बट अभी फिलहाल देखो क्या है, हमें अल्फा प्लस बीटा दे रखा है माइनस बी बाय